त्रेता का काल था। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी अपने जीवन में बहुत आनंदित थे, सब कुछ उनको ईश्वर ने दिया था, बस एक ही दुख था, मैं उनके जरिए कोई आने वाले कल का उत्तराधिकारी नहीं था। इस बात से बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी थे। और जब बहुत ज्यादा वो अपने भीतर असहनीय पीड़ा का अनुभव किए तो अपने गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी महाराज से जाकर के बोले, हे महाराज, हमारा दिन कब पलटेगा? अयोध्या को, अयोध्या का उत्तराधिकारी कब मिलेगा? एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अपने गुरुदेव के चरणों में गिर करके उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं, महाराज हमारे पास पुत्र नहीं है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, इस दुख से हमें दूर करिए, हम पर कृपा करिए। अपना सारा दुख सुनाते हैं महाराज दशरथ। गुरुदेव महाराज कहते हैं, निश्चिंत रहिए, हमें मालूम है आपको एक नहीं चार चार संतान प्राप्त होगा, बस इसके लिए जरूरी यह है कि पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराई जाए, राज्य के अंदर यजमान बन के उस यज्ञ में शामिल होइए, श्रृंगी ऋषि इस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाया जाए, बहुत विधि विधान से यज्ञ संपन्न होता है और साक्षात अग्निदेव खीर लेकर के यज्ञ कुंड से प्रकट होते हैं। बोलिए, अग्निदेव महाराज की जय। जो खीर मिलता है महाराज दशरथ उसे दो हिस्सों में विभक्त करके एक कौशल्या जी को और एक जो है कैकेयी जी को प्रदान कर देते हैं। दोनों रानियां अपने हिस्से का दो भाग करती हैं और एक एक भाग कौशल्या जी के हाथों में रख देती हैं। समय बीतता है धीरे धीरे, उनके उदर में पल रहा शिशु धरती पर आने के लिए भीतर ही भीतर तैयार होता है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरु अरु अचरा हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। सब कुछ अनुकूल हो जाता है भगवान के आगमन के समय। बहुत सुंदर निरूपण है उस समय का, उस काल का। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुकल पचा अभिजित हरि पीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। गिरिगन मनियारा सवई सकल सरिता मृत धारा, जो अवसर बिरंचि जब जाना चले सकल सुर साज विमान, गगन बिमुल संकुल सुर जूता गावै गुण गंधर्व वरूता, बरसा ही सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुदुम्बि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहिनी जनिज सेवा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम
सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध बुधचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। सुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट सीकंता। चरित बहुत विधि कीन चय, कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरि पद पाव तेन परहि भव कूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पाव तेन परहि भव कूपा। विप्र धेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन आता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। देखिए बात समझिए, भय प्रगट कृपाला, भगवान का जो जन्म है वो हम सबकी तरह नहीं है, जैसे हमारा आपका जन्म हुआ है। वो माँ के उदर में रहते तो जरूर है, लेकिन अपनी ही शक्तियों से वो भूमिष्ठ भी हो जाते हैं, ठीक है, पेट से अदृश्य होके बाहर आ जाते हैं। मैया देख के बहुत 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 आनंदित होती, हर्षित होती हैं। अद्भुत रूप है उनका, साधारण बच्चों की तरह नहीं, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं भगवान। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी है, आभूषण पहने हुए वनमाला, वनमाला पहने हुए परमात्मा जब अपने माँ के सामने माँ को दिखाई देते हैं तो मैया विस्मित हो जाती हैं देख करके।
हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं माँ कौशल्या कि ये भगवान हम आपकी स्तुति कैसे करें। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर। करुणा करने वाले सुख के सागर सब गुणों के खान हे परमात्मा आपकी कैसे स्तुति करें। सो मम हित लागी जन अनुरागी। वो परमात्मा जो घट घट में समाया है सबका मालिक है हमारे हित के लिए हमारे कोख में आया हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं प्रभु। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। जिसका पूरा ब्रह्मांड ही स्वरूप हो वो परम पिता परमेश्वर हमारे उदर में है। ये लोग विचार करेंगे तुमको हंसी आएगी लोगों को यकीन नहीं होगा। राम जी समझ जाते कि हमारे मैया को हमारे असली स्वरूप का ज्ञान हो गया है। भगवान कहते हैं कि हे माँ ये ज्ञान तो आपको हो गया है लेकिन इसका प्रचार नहीं करना है। मैया कहती है बाबू ये जो तुम्हारा दिव्य स्वरूप है ना ये तो बहुत अच्छा इसको प्रणाम है लेकिन छोटे बच्चे की तरह तुम हो जाओ क्योंकि जो सुख बच्चे के साथ मिलेगा ना वो ऐसा बड़ा वाला स्वरूप के साथ नहीं मिलेगा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुता तयह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगा वही हरिपद पावही तेन परही भवकूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। हे प्रभु ये जो अपना दिव्य रूप है इसका त्याग कर दीजिए और बच्चों वाला लीला करिए। हाँ के करिए हाँ उसको खिलाने बड़ा मजा आता है इतने भारी भरकम बच्चे को गोद में भी कैसे कोई उठाएगा। जैसे ही माता का आज्ञा मिलता है भगवान रुदन करने लगते हैं और रुदन सुन करके महाराजा दशरथ जहाँ है वहीं से भागते हुए हाँ कौशल्या जी के निवास कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। आगमन होता है अपने पुत्र को देख के बहुत आनंदित होते हैं। आज अयोध्या में राजकीय उत्सव मनाया जाता है बहुत धूमधाम से आयोजन होता है बधाई गीत होता है सोहर का गान होता है नृत्य होता है देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होकर के अलग अलग रूप बना के अयोध्या की धरती पर आते हैं भगवान राम का दर्शन करते हैं। हम सबके बीच में भी भगवान उपस्थित हैं भगवान को प्रणाम करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की लखन भैया की भरत भैया की शत्रुघ्न भैया की। राजा दशरथ घरे चारी होरिलवा होरिलवा अति सुंदर हो। राजा दशरथ घरे चारी होरिलवा होरिलवा अति सुंदर हो। ललना ठन मन करे ले गुजरिया तिलकरिया अब तले ले हो। राजा लूटा में आन धन औरी औरी रतन धन हो। राजा लूटा में आन धन औरी औरी रतन धन हो। ललना रानी लूटा में धेनु गई या
नवा अवध में हो, घर घर बधैया बाजे हो। आजू के दिनवा अवध में हो, घर घर बधैया बाजे हो। ललना कर शीत होके घर घर गावे हो, हर बधाई गीत हो। ललना हर शीत होके घर घर गावे हो, हर बधाई गीत हो। दशरथ घर चारी हो, रिलवा हो रिलवाती सुंदर हो। ललना हर शीत होके घर घर गा हो, हर बधाई गीत हो। राजा लुटावे अन धन औरी औरी धन धन हो। ललना ललना रानी लुटावे हेनु गैया कोठवन अदरियन हो। आज के दिनवा अवध में हो, घर घर बधैया बाजे हो। ललना हर शीत होके घर घर गा हो, हर बधाई गीत हो। ललना हर शीत होके घर घर तो हर बधाई गीत हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। तो जल्दी से आ जाइए उसके बाद। अच्छा, टॉफियां जो बांटने का काम है उसमें कोशिश करिएगा सबको मिल जाए, और अगर किसको नहीं मिलेगा तो सवेरे जाके दुकान पे खरीद के खा लेगा, ठीक है ना। भगवान के जन्म पे इतना तो खर्च कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। खूब बढ़िया उत्सव होता है, कहाँ, अयोध्या जी में। हाँ, वो आनंद से सब लोग भगवान राम जी के जन्म का उत्सव मनाते हैं। और वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है। सर्वस दान दीन सब काहू, जेही पावा राखा नहीं ताहू। जिसको जो कुछ भी उपहार में मिलता है सब लोग भगवान राम के जन्म की खुशी में लुटा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लुटाया, ठीक है, 4 रुपया, 4 लोग हैं और चारों लोग 1-1 रुपया पा गए, वो भी लुटा दिए, 4-4 लोग हैं अपना अपना पैसा, फिर 1-1 रुपये पा गए। हाँ, ऐसे आनंद के लिए बोल रहे हैं, मतलब इतना लुटाया ना कि जिसको जो मिला था वापस फिर मिलता गया। बहुत आनंद आया वहां पे सबको। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जान कोई, रथ समेत रवि थार के ऊ निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक सूर्यदेव अयोध्या जी के नभ मंडल में उदीयमान बने रहे, अस्त ही नहीं हुए, और दिन बीत गए 1 महीने का, किसी को पता ही नहीं चला, सब लोग आनंदित थे। राम जी इशारा करते हैं कि अरे भैया जी
आप जाएंगे तब रात्रि देवी आएंगी, एक महीना से वो इंतजार कर रही हैं। तो राम जी इशारा करते हैं सूर्यदेव को कि अब एक महीना तो आपने मौज काट लिया, जाइए रात्रि देवी को आने दीजिए। रात्रि देवी आती हैं, भगवान के स्वरूप का दर्शन करती हैं। अयोध्या में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। कछुक दिवस बीते एही भांति, जातन जानी दिन अरुराती। दिन रात कैसे बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। सब लोग आनंद में डूबे पड़े हैं, मस्त हैं, और अब इधर सब लोग घर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो इसलिए अब सीधे बिना किसी ब्रेकर के हम लोग आर्थिक तैयारी करते हैं, ठीक है। और कल कथा सुनेंगे, 10:30 बज गया। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा तेरा दिल भी हिला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तेरी याद किलो दिल में रह रह के धड़कती है, जो आग लगाई है अश्कों से बुझा दे, जो आग लगाई है अश्कों से बुझा दे। हम दिल बहला लेंगे, वादा तो करो प्यारे, एक रोज मिलोगे तुम, वादा तो करो प्यारे, एक रोज मिलोगे तुम, झूठा
ही सही वादा हम दिल बहला लेंगे। राधे की कृपा से तुमको भी पालेंगे, हम राधे के कृपा से तुमको भी पालेंगे। हमें कहां बिठाओगे, तुम कहते हो मोहन हमें कहां बिठाओगे, दिल में तो आ जाओ हम पलकों पे बिठा लेंगे। तुम कहते हो मोहन हमें कहां बिठाओगे, तुम कहते हो मोहन हमें कहां बिठाओगे, दिल में तो आ जाओ पलकों पे बिठा लेंगे। दिल में तो आ जाओ पलकों पे बिठा लेंगे। कह देगी राधे जब कह देगी सरकार बुला लेंगे, राधे जब कह देगी सरकार बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन हम तुमको मना लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन हम तुमको मना लेंगे। कृष्ण करें अला।